प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आए दिन बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गाजीपुर का है, जहां स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज के नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव पर कॉलेज कैंपस के अंदर ही बदमाशों ने जानलेवा हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि अपनी जीत की खुशी में संदीप यादव छात्र संघ भवन के पास छात्रों में मिठाई बांट रहा था। इसी दौरान हमलावर अचानक पहुंचे और छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव समेत उनके समर्थकों पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकूबाजी में संदीप समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में घायल अवस्था में संदीप यादव, शिवानंद यादव और अखिलेश यादव को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रोमा सेंटर रेफर कर दिया। कैंपस में ये हम लोग मिठाई बांट रहे थे, तो ये तीन चार लोग थे, पूर्व अध्यक्ष अभिषेक राय था उसके साथ, ये सब बैठ के और कॉलेज के पीछे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पे मैंने देखा कि इसको चाकू मंगा के और दिया जा रहा है। ये भैया मेरे साथ थे, हमने तुरंत कैंपस में ढूंढना चालू किया कि लालू और संदीप हैं कहाँ मिठाई बांटते हुए। हम लोग तुरंत उसके पास पहुँचे और संदीप को लेके आया कि ऐसा है कॉलेज में झगड़ा होने वाला है, तुरंत तुम गाड़ी से निकलो। हम लोग लेके आए हैं, गाड़ी में बैठाए हैं संदीप को कि हम लोग कॉलेज से निकले। जैसे हम लोग निकलने की कोशिश किए हैं, ये और इसके सात आठ लोग जितने साथी थे चाकू लोग लेके और आके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था शीशे पे मारने लगे हैं। सब तीन चार लोग गाड़ियों के सामने खड़े हो गए हैं। फिर हम लोग क्या हुआ है पंकज रुको रुको करके संदीप गेट खोल के जैसे ही बाहर उतरा है, ये हाथ में चाकू ऐसे पकड़ा था और सबका टारगेट सिर्फ सर था। लगातार चाकू लेके और सर पे मार रहे थे सब। तब तक मैं पीछे बैठा था, जैसे गेट पकड़ के उतरा हूँ उसको कि पंकज हटो पीछे हटो, तब तक तुरंत चाकू उठा के और चलाया मेरे ऊपर। एक लड़का जो तीसरा है जिसके ऊपर यहाँ सर चाकू लगा है अखिलेश, वो मेरे बीच में आ गया है, तो मुझे चाकू ना लग के उसके सर पे लग गया है। जैसे लगा वो मेरे हाथों में गिरा, उसके बाद उसको छोड़ के और संदीप आके उसके धक्का देने लगा हटो हटो। संदीप के सर पे तीन चार बार चाकू, उसके बुआ का लड़का है मोनू उसको आया सब, उसके गर्दन में चाकू यहाँ पे इतना गहरा। हाँ पहचान हुई है सर, अपराधी है पंकज सिंह नाम है उसका, प्रशांत मिश्रा पंकज सिंह, एक कुछ दिन पहले वो था गिरफ्तार हुआ था रामाशीष कुशवाहा। ये तीनों अपराधी हैं सर, चार चार पांच बार जेल जा चुके हैं ये तीनों और कैंपस में खुलते घूमते हैं। वहीं कॉलेज कैंपस में जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। लगभग 12:30 बजे सूचना मिली थी कि सहजानंद के अभी 24 तारीख को जो चुनाव हुआ था उसमें जीते हुए अध्यक्ष हैं संदीप यादव, ये जीत की खुशी में अपने कुछ साथियों के साथ कॉलेज में मिठाई बांट रहे थे। इसी दौरान कॉलेज के ही कुछ छात्रों से झड़प हुई, झगड़ा हुआ और इनके ऊपर वो हमलावर हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके विरोधी ग्रुप के कुछ लड़के थे जिन्होंने ये हमला किया है, उनमें से कुछ को चिन्हित भी कर लिया गया है। पुलिस टीम्स लगा के इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। श्री संदीप यादव को जिला चिकित्सालय में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया, प्राथमिक उपचार देने के बाद इनकी स्थिति ठीक है, बोल चाल रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने प्रिकॉशन के लिए इन्हें ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया है। फिलहाल हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी है और घटना के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। कॉलेज कैंपस में सरेआम हुई इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।